अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो लगातार नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म पर बांटने की कोशिश लोगों को की जा रही है। तो अब इस बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी किसी के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है। तो मोदी शाह अपनी अपनी कल्पना में जीते हैं, बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा गया कि वो सिर्फ अपनी दुनिया में जीते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। सरकार की शैली वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी भेदभाव के खिलाफ रहेगी। तो मोदी शाह अपनी अपनी कल्पना में जीते हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बयान सरकार की शैली वास्तविक मुद्दों से लोगों को भटकाने की है, हटाने की है। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि एआईएमआईएम के और साथ ही एनडीए के कुछ समर्थक दल भी जो है वो इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं। सरकार की शैली वास्तविकता से भटकाने की है लोगों को। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। तो बता दें कि विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि धर्म के आधार पर लोगों को ना बांटा जाए। तो एक तरफ एनआरसी पूरे देश में लागू करने की बात यहां पर सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन बिल को यानी कि कुछ बदलाव के साथ अब राज्यसभा में कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा।